नमस्ते, आस्था ही ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने की परंपरा का राज क्या है? बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाएं तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की पैड़ी, सीढ़ी या ओटले पर थोड़ी देर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं परंपरा का राज क्या है? आजकल तो लोग मंदिर की पैड़ी पर बैठकर अपने घर की, व्यापार की, राजनीति की चर्चा करते हैं, परंतु ये प्राचीन परंपरा का एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। वास्तव में मंदिर की पैड़ी पर बैठ करके हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। ये श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। आप इस श्लोक को आने वाली पीढ़ी को बताइए। ये श्लोक इस प्रकार है: अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देही में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े पड़े कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। बिना दैन्येन जीवनम, अर्थात परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें कभी किसी के सहारे ना पड़े रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेवश ना हो, ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांते तव सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए, उनके दर्शन करते हुए प्राण निकल गए। देही में परमेश्वर, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना, ये प्रार्थना करें। विशेष दर्शन करने के बाद बैठकर ये प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। ये प्रार्थना है, याचना नहीं। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र, पुत्री, सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वो याचना है, वो भीख है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है, अर्थात विशिष्ट, श्रेष्ठ, अर्चना अर्थात निवेदन। ठाकुर जी से प्रार्थना करें और प्रार्थना क्या करना है, ये श्लोक बोलता है। जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। कुछ लोग वहां आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करना? हम तो दर्शन करने आए हैं भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखार बिंद का, श्रृंगार का, संपूर्णानंद आनंद लें, आँखों में भर लें स्वरूप को, दर्शन करें और दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठें तब जो दर्शन किए हैं नेत्र बंद करके उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर में नेत्र नहीं बंद करना। बाहर आने के बाद पेड़ी पर बैठकर जब ठाकुर जी का ध्यान करें तब नेत्र बंद करें, और अगर ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और भगवान का दर्शन करें। नेत्रों को बंद करने के पश्चात उपरोक्त श्लोक का पाठ करें।